हेलो दोस्त, रेलवे न्यू भर्ती कैलेंडर सोशल मीडिया पे चल रहा है और ऑफिशियल भी है, कोई गलत न्यूज नहीं है, जिसमें 5 महीने में भर्ती प्रक्रिया से ज्वाइनिंग तक जाने की बात हो रही है, इंक्लूडिंग वैकेंसी असेसमेंट की। 5 साल इंतज़ार नहीं कराएगा, ये क्या सही है, क्या इसका लॉजिक है? कुछ लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि रेलवे लाइव से वीडियो नहीं बना रहा है, तो कठिन समय में देखिए वीडियो बनाना कोई वो भी नहीं है और बड़ा न्यूज़ भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से पहले ही सुर किया कर रखा हूँ कि बहुत हमारे साथ अभी कठिनाई के समय चल रहा है, कठिन समय चल रहा है। मिसिंग मेरा सन राहुल मिसिंग है, वो कहीं सर्च नहीं हो पा रहा है। सीसीटीवी में कुछ फुटेज दिखे हैं, वो हम थोड़ा सा आपको शेयर कर देंगे, तो इसमें आप सहायता कर सकते हैं कुछ। अगर कहीं क्लू मिले तो नंबर या पुलिस स्टेशन या एरिया पर आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये शेयर जो चल रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। ये सबसे पहले है कि 2022 के पर्सपेक्ट में जाना पड़ेगा, जिसमें ग्रुप पोस्ट ग्रुप बी के पोस्ट के रेलवे ने 2 क्राइटेरिया सेट किया है, 70% और 30%। ये हायर गजेटेड लेवल है, इसमें एक्चुअली क्या है, स्टेशन मास्टर से ऊपर वाले पोस्ट का भी प्रमोशन होता है, यानी लेवल जो ग्रुप सी के लास्ट लेवल वाले कैंडिडेट ग्रुप बी में जो जाते हैं लोअर लेवल में, उसकी बात होती है। और 35% सिलेक्शन जो एलडीसी के द्वारा होगा, 30% और 70% ऊपर का उसके लिए है। लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया बहुत फास्ट है, जिसमें आपको नवंबर से लेके मार्च तक में सारी कार्रवाई करने की बात बोल गई है। पैनल भी दे दिया जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, एग्ज़ाम भी हो गया। और हालांकि 2020 में भी करीब करीब 6-7 महीने में 22 से 23 में पूरा हो गया है, 22-23 वाला पूरा हो गया है कैलेंडर, उसी की बात किया जा रहा है। एलडीसी 30% और सिलेक्शन प्रोसीजर 70% का। तो देखिए, अगर काश ऐसा आता है रेलवे में ग्रुप सी, और अब तो ग्रुप सी ही रह गया, डी की बात ही नहीं है, लेवल वन ग्रुप सी में मर्ज हो गया है, तो ये सारा चीज़ें को अगर ऐसा होता है तो लोगों को 5-5 साल का जो इंतज़ार करना पड़ता है। 2019 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, 2023 ख़त्म होने वाला है, 2024 की शुरुआत होने वाली है, तो समझ सकते हैं विद्यार्थी को कितना दर्द होता होगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब मिसिंग वाला बात करते हैं, तो थोड़ा सा अगर आपको कोई क्लू मिलता है, कोई हिंट मिलता है, तो थोड़ा सा बताइएगा। उसके लिए मैंने एक पेज शेयर कर दिया, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक बना दे दूँगा आपको, जहाँ पर हमने अपने वेबसाइट पर पेज बना दिया है। अगर कोई इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इसमें सारा चीज़ मिल जाएगा। 15 तारीख से खोया है, कहाँ लोकेशन पर खोया है, इसकी पंपलेट क्या है, इसमें एड्रेस से किससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लास्ट सीसीटीवी में क्या दिखा है, वो सारी चीज़ें है। ये सीसीटीवी के कैमरा है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतने पूरे दिन टाइम में ये लड़का साइकिल चलाते हुए निकलता है, इतनी ट्रैफिक में निकलता है, थोड़ा आई क्यू लेवल कम है। ऊपर से देख सकते हैं आप, हमने साइकिल में हवा भी नहीं है, बहुत कम हवा थी, फिर भी ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, कोई पकड़ न लिया हो, कुछ इस तरह का घटना न हुआ है। और करीब करीब आज 8 दिन हो गए, कुछ कहीं मिल नहीं रहा है। गूगल मैप पे हमने लोकेशन डाल दिया है, जहाँ से वो उसमें जिस एरिया में ज़्यादा चांसेज है जाने का, हालांकि दिशा तो कोई भी हो सकता है, उसकी दिशा हमने यहाँ पे लिख दिया है, एरिया का जगह लिख दिया है, मैप का मैप भी हमने यहाँ डायरेक्ट डाल दिया है, जो नेट नहीं चलाते हैं। तो लास्ट जो ट्रेसिंग है वो इस डायरेक्ट यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखा है। पहले तो सीसीटीवी नहीं दिख रहा था, लेकिन कम से कम 15 से 50 सीसीटीवी सर्च करने के बाद, एक दो तीन में लोकेशन मुटर सर्च हुआ टाइमिंग के हिसाब से, तो उसके हिसाब से बता सकते हैं। बाकी FIR का ये अंकुर विहार थाने में है, किसी भाई बंधु को कुछ मिले तो अंकुर विहार थाना लोनी गाजियाबाद में इनको पहुँचाने के कष्ट करें, और किसी को लगता है तो उस तरह से करें। अगर किसी को थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता कि फुल पिक्चर देखते तो थोड़ा समझ में आता, तो देखिए ये फुल पिक्चर है, तो थोड़ा सा ये IQ लेवल तो कम है, लेकिन लड़का एड्रेस, गांव, पता, एड्रेस सब कुछ बताता है, अच्छा से बात करेगा, अगर सही से बात किया जाए इससे, पोलाइटली रूप से लिखने के लिए देंगे। अगर राइटिंग में आप इससे कुछ कहेंगे कि लिख दीजिए, तो सब कुछ सारे चीज़ें डिटेल लिख देता है, वो सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। बाकी ये पिक्चर डाल रखा हूँ, बाकी अगर किन्हीं को मिलता है तो कहीं पुलिस स्टेशन कॉन्टेक्ट नंबर तो आपको ऊपर दिखाई दिया, कई सारे अपने नज़दीकी का है, 112 नंबर पर पुलिस इमरजेंसी UP के लिए और 100 नंबर में दिल्ली के लिए बता सकते हैं। जगह आपको सरस सिटी अंडली बिहार बुद्ध सिंह पब्लिक स्कूल सरस सिटी लोनी गाजियाबाद के आसपास आप पहुँचा देंगे, वहाँ से भी हो जाएगा। या अगर किसी बंधु को कुछ नहीं याद है
तो दिल्ली मेट्रो के या किसी मेट्रो के स्थान में पहुंच के मेरा नाम लेके अगर बता देते हैं कि इनका लड़का है या ऐसा ऐसा है, तो वहाँ से भी हमें मिल जाएगा इम्प्लाई आईडी से 5963 से, इससे भी ट्रेस हो जाएगा कि यह है इनका इम्प्लाई है, इनके इम्प्लाई आईडी से भी इम्प्लाई नंबर से भी आपको कहीं ना कहीं मुझे सर्च करने में आपको मेहनत हमें हमारे तक पहुंचाने में आपको नहीं होगा। पहले वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं तो इसका लिंक दे दूंगा, तो लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कहीं दिखता है तो देखिए वीडियो बनते रहेगी, सारी चीज़ें डिटेल आते रहेगी, और अभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो देखिए हम आपके साथ हैं, अभी मेजर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर देंगे। तो ये सारा चीज़ें वीडियो हमने रेलवे लाइव चैट ग्रुप टेलीग्राम पर डाल रखा है, किसी बंधु को यहाँ भी मिले वीडियो भी हमने इवेंट डाल दिया है। देखिए ये साइकिल के पीछे, यहाँ पर साइकिल के पीछे दूर में दिख रहा है ट्रॉली के पीछे साइकिल से, और ये देखिए कितनी बिजी रोड पे है, बिजी रोड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वीडियो भी डाल दिया हूँ और बाकी पिक्चर तो आप देख ही रहे हैं। कोई आइडिया मिलता है किसी भाई बंधु को इस पिक्चर देख के या समझ के, या पिक्चर का बदला हुआ भी रूप मिले या किसी कारण से मिले, तो आप थोड़ा सा इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। उसके लिए हमने पंपलेट भी बनाया था, सारा चीज़ें करके गली गली मोहल्ले एरिया चौक पर हमने लगा लिया है, तो थोड़ा अगर किसी को मिलता है तो ये थोड़ा अगर बता दें। लोकेशन भी हमने इस पे भी डाल दिया है कि जिससे किसी को लोगों को सर्च आए, तो सारा करके दिया है। अब यहाँ पे सवाल उठता है जो आपकी है, जो अभी बना हुआ है कैंडिडेट के मन में, कि न्यू वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए न्यू वैकेंसी तो आना तय है, लेकिन कब आएगा ये कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, लेकिन तय तो ये है कि इलेक्शन से पहले आपको आएगा, और इलेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लोकसभा के इलेक्शन है, उसके आसपास तो ये आएगा न्यू वैकेंसी। और उस वैकेंसी में थोड़ा सा हमें ये लोगों को इंतजार करना चाहिए कि ये 5 साल वाला वैकेंसी ना हो, एक साल के अंदर, जैसे यहाँ पे 5 से 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया ग्रुप बी की पूरी हो रही है, वैसे ही ग्रुप सी की प्रक्रिया 5 से 6 महीने में पूरा हो जाए, जिससे लोगों को बेनिफिट मिले। थैंक यू, धन्यवाद।